इवनिंग। गुड इवनिंग सर। यस सर। ओके, एनी क्वेश्चंस? व्हिच वाज द लास्ट डेस्टिनेशन? सो चाइना। चाइना एक बड़ी अच्छी कंट्री है, वैसे जनरली बता रहा हूँ, इट्स नॉट पार्ट ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, जनरली आपको बता रहा हूँ। चाइना एक है तो मस्ट विजिट, थोड़ा देख के अच्छा भी लगता ही है, मतलब ठीक लगता है, डिफरेंट एक्सपीरियंस तो होता है। बट मैं अपना पर्सनल आपको अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ चाइना का, तो मेरी सजेशन हर एक किसी को ये होती है जो भी चाइना जाता है, कि चाइना कम से कम टाइम के लिए जाया जाए, ठीक है? क्योंकि इवेंचुअली ये ऐसी जगह नहीं है कि जो आपको एक प्लेजेंट फीलिंग दे, वैसी कंट्री नहीं है, ठीक है? क्योंकि लोग थोड़े ऐसे हैं और लोगों के अंदर भी थोड़ा सा फियर नजर आता है, जबकि वहां के सिटीजन्स है उनों के अंदर भी थोड़ा फियर नजर आता है, ठीक है? और लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है, बिल्कुल बात करना ही नहीं चाहते और कर भी नहीं पाते हैं, ठीक है? बट हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने फॉरनर्स को देख देख कर उनको गालियां देनी सीख ली है इंग्लिश में, ठीक है? इफ एनीवन इज नेगोशिएटिंग विद देम, ठीक है, जो कि आपको कई इंडियंस मिलेंगे, जो इंडियंस कहिए या रशियंस कहिए, रशियंस काफी जाते हैं, हु आर ऑलवेज इन ट्रबल बिकॉज ऑफ दीस पीपल, ठीक है? तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ, खाना अच्छा है, सस्ता है, अकोमोडेशन फॉरनर्स के लिए महंगी है, अदरवाइज काफी सस्ती है। अगर कोई रिलेटिव हो वहां पे या कोई फ्रेंड हो वहां पर, तो चाइना विजिट करना बहुत अच्छा है, तो बहुत इजी हो जाता है, राइट? चलिए ठीक है, ये तो हो गया, आगे चलते हैं। और कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहे? नथिंग, कोई कुछ नहीं पूछना चाहता, ठीक है? तो आज मेरे ख्याल से हम यूरोप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? तो जब आप यूरोप स्टार्ट कर रहे हैं, तो यूरोप के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड की, ठीक है? बहुत सारी कंट्रीज हैं, ऐसा नहीं है कि स्विट्जरलैंड ही बेस्ट कंट्री है, बट फिर भी क्योंकि आप लोगों ने ज्यादा स्विट्जरलैंड के बारे में सुना होगा, इसीलिए मैंने स्विट्जरलैंड का नाम लिया है, ठीक है? सबसे पहले मैं यूरोप को थोड़ा सा आपको डिवाइड करके बताता हूँ कि यूरोप को हम डिवाइड कैसे करते हैं। यूरोप को हम पहले तो नॉर्थ देखेंगे। जब आप नॉर्थ देख रहे हो, तो नॉर्थ में आप देखोगे सबसे सबसे नजदीक कंट्री जो है, आप लोगों को क्या लगता है कि यूरोप की कौन सी कंट्री इंडिया के सबसे नजदीक है? मैं आप दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। सर, टर्की? टर्की तो यूरोपियन कंट्री ही नहीं है ना सर। लंदन? लंदन भी कोई कंट्री ही नहीं है, लंदन नाम की तो मैंने कोई कंट्री नहीं सुनी आज तक। सर, ग्रीस? कंट्री का नाम है इंग्लैंड, ठीक है? एग्जैक्टली। सिटी को कंट्री मत बोलिएगा और कंट्री को सिटी मत बोलिएगा सर। इंग्लैंड, जो स्टूडेंट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म, तो ये गलती मत कीजिएगा। ये आप लोग मैप देख पा रहे हैं, है ना? देख रहा है ना, शेयर हो गया ना, ठीक है? तो जब हम मैप को देखते हैं ना, तो ये बड़ी कॉमन, जैसे कि प्रखर ने बोला कि ग्रीस, तो ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि हम इसको एक फ्लैट सरफेस की तरह देखते हैं, जबकि वर्ल्ड इज द अर्थ इज राउंड एंड द कंट्रीज आर ओवर द अर्थ, राइट? तो जो सबसे नजदीक की कंट्री है इंडिया से, अगर हम यूरोपियन कंट्री की बात करें, तो रशिया को कहा जा सकता है, क्योंकि रशिया यूरोप में आता है, टर्की तो खैर नहीं आता, ठीक है? पर हम रशिया को भी अगर काउंट नहीं करते हैं, देन इट इज फिनलैंड। फिनलैंड इज द नियरेस्ट यूरोपियन, प्योर यूरोपियन कंट्री, ठीक है? सो दिस इज वेयर फिनलैंड इज। सिर्फ 6-6.5 घंटे की हमारी फ्लाइट है अगर हम फिनलैंड जाना चाहते हैं तो, ठीक है? और सबसे अच्छी बात यह है कि फिनलैंड हमारे पास डायरेक्ट फ्लाइट फिनलैंड जाती है, ठीक है? द कैपिटल ऑफ फिनलैंड इज हेलसिंकी। बिल्कुल ठीक, सो द कैपिटल इज हेलसिंकी। अ फ्यू स्टूडेंट्स हु आर एंटरिंग इन
little late, so that's why class is getting a bit disturbed. जब भी कोई फाइल शेयर हो रखी होती है ना, और तब कोई स्टूडेंट एंटर करता है, तो पूरी की पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, क्योंकि अगर हम उनको एंटर करवाते हैं तो फाइल जो भी शेयर हो रखी है वो हैंग हो जाती है, कई बार सिस्टम ही हैंग हो जाता है, कई बार हमारे को पूरा का पूरा कंप्यूटर ही रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि टाइम पे आया करो क्लास के अंदर। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको हम नॉर्दर्न यूरोप कहते हैं, ये नॉर्डिक यूरोप है, ठीक है, और इसी को हम स्कैंडिनेविया भी कहते हैं, ठीक है। बट अगर हम स्कैंडिनेविया को प्योर स्कैंडिनेविया की बात करें, ठीक है, बिल्कुल प्योर स्कैंडिनेविया, तो उसके अंदर मेजरली तीन कंट्रीज आते, ठीक है, डेनमार्क, स्वीडन एंड नॉर्वे। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, स्वीडन की स्टॉकहोम एंड नॉर्वे की ओस्लो, ठीक है। ये तीनों कंट्रीज इसलिए भी यूनिक कंट्रीज हैं क्योंकि इन तीनों की एक ही एयरलाइन है, विच इज SAS, स्कैंडिनेवियन एयरलाइन। तीनों तीनों क्या, पांचों, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, ये पांचों की पांचों कंट्रीज को भी हम स्कैंडिनेविया कहते हैं, एंड प्योर स्कैंडिनेविया हम डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे को कहते हैं, ठीक है। जो कॉमन एयरलाइन है वो इन तीन कंट्रीज की कॉमन एयरलाइन है, डेनमार्क, स्वीडन एंड नॉर्वे। ये पांचों कंट्रीज की पॉपुलेशन बहुत कम, कंट्रीज बड़ी हैं बट पॉपुलेशन कम, ठीक है। इन चारों, नॉट पांचों, इन चार कंट्रीज में तो आप समझ लीजिए कि 80% इनका लैंड जो है वो हमेशा ही -20 degrees में रहता है, ठीक है। हाँ, इनकी कैपिटल्स और कुछ सिटीज हैं जिन्होंने 12 महीने -20 degrees नहीं होता, बट होता है, ठीक है। ओके, चलिए जो भी है। सो फिनलैंड की अपनी खुद की एयरलाइन है जो इंडिया आती है, फिनएयर, ठीक है। आइसलैंड की भी अपनी एयरलाइन, ठीक है। सो ये भी दो रीजन है इनके स्कैंडिनेविया से बाहर काउंट होने के, क्योंकि सबसे पहले तो ट्रैवल के लिए अगर ज्योग्राफी को कंबाइन किया या समझाने की कोशिश की गई तो वो आयटा ने किया। आयटा के लिए ज्योग्राफी का मतलब था एयरलाइंस। आयटा को फिजिकल ज्योग्राफी या पॉलिटिकल ज्योग्राफी से क्या लेना देना, उनको तो ये है कि भाई हमारी फ्लाइट्स का हमें फेयर कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमारे को क्या रूल बनाना है, उन्होंने उसको देखते हुए स्कैंडिनेविया के अंदर स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे को ही सिर्फ काउंट किया है, ठीक है। चलिए जो भी, तो ये आपका नॉर्दर्न यूरोप है, नॉर्डिक यूरोप है, जो कि फर्स्ट टाइम यूरोप विजिटर्स नहीं विजिट करते, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट विच इज एक्चुअली नॉट विजिटेड बाय द फर्स्ट टाइम यूरोप विजिटर्स, राइट। फिर हम नीचे आ जाते हैं, आप देख रहे हैं फिनलैंड के नीचे पहले तो वाटर बॉडी है, पहले तो समुद्र है, उसके बाद आप एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये तीन कंट्रीज आप देख रहे हैं। ये जो तीन कंट्रीज हैं ये यूरोप की सबसे गरीब और सबसे सस्ती कंट्रीज हैं। ये इतनी सस्ती कंट्रीज हैं कि आप इनको थाईलैंड से कंपेयर कर सकते हो, आप इनको मलेशिया से कंपेयर कर सकते हो, बट डिसएडवांटेज भी है यहाँ पर। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज यहाँ पर ये है कि कोई भी इंडिया से या नेबरिंग एशियन कंट्रीज से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, ठीक है। सो वी डू नॉट हैव डायरेक्ट फ्लाइट, तो ये एक हमारे पास डिसएडवांटेज यहां पर आती है। बट रशिया से जा सकते हैं, रशिया से पानी के जहाज चलते हैं, फिनलैंड से पानी के जहाज चलते हैं, और ये भी मैं आपको बता दूं कि फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क, इनों के बीच में पानी के जहाज ज्यादा हैं इंस्टेड ऑफ फ्लाइट्स और ट्रेन्स, ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट हुआ, हमने समझा। फिर इसके बाद हम सेंटर की तरफ आते हैं,
अगर आप सेंटर को देख रहे हैं तो बड़े कॉमनली आप इसके अंदर देख सकते हैं कि स्विट्जरलैंड बिल्कुल सेंटर में ही आता आता ही नहीं आता राइट। स्विट्जरलैंड बिल्कुल सेंटर में आता है, इसीलिए मैंने आज आपसे स्विट्जरलैंड की बात की राइट। बट इसके अलावा और भी, जैसे कि इसकी नेबरिंग कंट्रीज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जर्मनी, जर्मनी इज ऑल्सो कम्स इन सेंटर ऑफ यूरोप। इसके अलावा आप क्या कहते हैं, लिच्टेनस्टाइन, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, ये सब सेंट्रल में माना जाता है ठीक है। फिर इससे थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे तो नीदरलैंड है, विच कम्स इन सेंटर राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज नीदरलैंड्स राइट। और ये नीदरलैंड फिर डेनमार्क से कनेक्ट होता है और डेनमार्क तुम्हारे को स्कैंडिनेविया से कनेक्ट, स्कैंडिनेविया में आता है डेनमार्क, भी बाकी कंट्री से भी कनेक्ट करता है। यहाँ पर आप पानी देख रहे हैं बट स्टिल वी कैन गो टू स्वीडन बाय सरफेस ठीक है। तो हम डेनमार्क से स्वीडन जा सकते हैं। तो ये हमारा सेंट्रल पार्ट आ जाता है, थोड़ा हमारा ये ईस्टर्न पार्ट आ जाता है जहाँ पर आप बेलारूस, मालडोवा, रोमानिया, बुल्गारिया ठीक है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं ठीक है। यहाँ पर जो ब्लू में दिखाया गया है ना, वो इसलिए दिखाया गया है क्योंकि वो यूरोप, वो शेंगेन कंट्रीज, तो उनको इसलिए ब्लू में दिखाया गया। थोड़ा मैप हमारा गलत खुला हुआ है, अदरवाइज पूरा यूरोप अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज योर इंटायर यूरोप राइट। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं स्लोवाकिया, हंगरी, तो इनको भी हम सेंट्रल के साथ ही कवर करते हैं ठीक है। और आप यहाँ लेफ्ट में देख रहे हैं यूनाइटेड किंगडम, जो कि मेन यूरोप से नेचुरली अलग है, चाहे ये नेचुरली अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से ठीक है। आप नीदरलैंड से, बेल्जियम से, फ्रांस से, यूनाइटेड किंगडम बाय सरफेस भी जा सकते हो, बाय वाटर भी जा सकते हो, बाय फ्लाइट तो जा ही सकते हो ठीक है। इसका जो नैरोएस्ट पॉइंट आता है वो आता है फ्रांस और यूके के बीच में, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश चैनल। और अगर आप लोग न्यूज फॉलो करते हो तो आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा दैट देर आर पीपल हु हैव क्रॉस्ड फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड बाय स्विमिंग। तो आपने पूरा का पूरा समुद्र जो इंग्लिश चैनल जो है इसमें करीब 10 घंटे लगते हैं, और कोई भी अच्छा स्विमर बड़े आराम से 8 घंटे से 12 घंटे स्विम कर लेगा ठीक है। पर ये स्विमर भी वो होगा जो थोड़ा ओवरवेट होगा ठीक है। सो ओवरवेट पीपल दे स्विम बेटर व्हेन इट इज अ लॉन्ग स्विम वी आर टॉकिंग अबाउट। और 10 घंटे स्विम करने के बाद भी एक अच्छा स्विमर आराम से शाम को पार्टी में जा सकता है ठीक है, थकेगा नहीं राइट। स्विमिंग इज सच अ नाइस थिंग, जो भी है, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील ओके। फिर हम आ जाते हैं वेस्टर्न यूरोप में, तो ये आपका फ्रांस जो है ना ये वेस्टर्न यूरोप में आता है, फिर स्पेन, पोर्टुगल, ये सब आपका वेस्टर्न यूरोप में आता है, और ये आपका सदर्न में आ जाता है। तो यहाँ पर सदर्न के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री जो है, 6 कंट्रीज है एक्चुअली, इसको हम कॉन्टिनेंट इटालियन पेनिनसुला कहते हैं ठीक है। इटली के आसपास जैसे कि माल्टा हो गया, मोनाको हो गया ठीक है, और भी हैं, तो ये सब हम साउथ में काउंट करते हैं। और जो जितनी भी आप आसपास कंट्रीज देख रहे हैं जैसे अल्बानिया, मैसेडोनिया, कोसोवो, सर्बिया एंड ऑल दैट, तो ज़्यादातर ये वही लोग होंगे जो इटली से जा रहे होंगे या हंगरी से जा रहे होंगे ठीक है। अगर कोई नेचुरली बात करता है कि कौन सी सिटी, कौन सी कंट्री का कौन सा पार्ट, कौन सी कंट्री में सबसे ब्यूटीफुल सिटी हम देख सकते हैं, तो ना ही वो स्विट्जरलैंड में है ना ही वो फ्रांस में है, दैट इज इन हंगरी। तो अगर आप हंगरी की कैपिटल देखते हैं बुडापेस्ट, दैट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल, लंदन से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। वेनिस जो कि इटली के अंदर आता है उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है, और इसके अलावा भी क्या कहते हैं जो आपको जगह मिलेंगी उनसे ज्यादा ब्यूटीफुल है जो भी है। सो दिस इज योर अ बिट अबाउट द कॉन्टिनेंट ठीक है। ऑब्वियसली जो शेंगेन कंट्रीज हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रीस इज ऑल्सो शेंगेन कंट्री। ग्रीस की भी डिसएडवांटेज है हमारे साथ, जैसे कि
पर खैर मैंने कहा कि सबसे नज़दीक की जो कंट्री है वो ग्रीस है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बट ग्रीस के लिए भी कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं, ठीक है। और हमारे लिए यूरोप जाने के लिए जो दो सबसे इंपॉर्टेंट एयरलाइंस हैं, ठीक है, यूरोप को ना कॉन्टिनेंट को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप यूरोप कॉन्टिनेंट को समझते हो तो आपको पूरा का पूरा यूरोप आगे समझने में आसानी रहेगी, और मुझे भी सिर्फ दो दो मिनट लगेंगे आपको हर कंट्री को अलग अलग समझाने में, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट को आप समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी पार्ट में कोई जाना चाह रहा है तो हमारे लिए जो सबसे सस्ती फेयर जो मिलेंगे, ठीक है, वो ज्यादातर जो हमारे को मिलेंगे या तो टर्किश एयरलाइन में मिलेंगे या फिर हमारे को मिलेंगे ये फिन एयर में, ठीक है। सबसे अच्छा नेटवर्क जिन दो एयरलाइंस का है पूरे यूरोप को कवर करने के लिए वो टर्किश एयरलाइन, सबसे बड़ी एयरलाइन जो है यूरोप की, जबकि टर्की यूरोप में नहीं आता, बट इवन देन इट इज टर्किश एयरलाइन, और फिर उसके बाद आप फिन एयर को कह सकते हैं, ठीक है, ओके ओके। इसके अलावा फिर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एयरलाइन आ जाती है वो आ जाती है एयर फ्रांस, क्योंकि हमारे पास रेगुलर फ्लाइट्स भी हैं, ठीक है। एयर फ्रांस में मैंने नौकरी की है तो मैं आपको एयर फ्रांस के बारे में काफ़ी कुछ बता पाऊंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि एयर फ्रांस के बारे में कम बोलूँ, क्योंकि अदरवाइज लगता है कि मैं सिर्फ एक ही एयरलाइन को प्रमोट कर रहा हूँ। चलिए जो भी है, सो एयर फ्रांस हमारे को सस्ती भी पड़ती है, और फ्रांस एयर फ्रांस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 80% लोग जो यूरोप जा रहे हैं, 80% लोग, उन्होंने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ही फ्रांस है, उन्हों को जाना ही फ्रांस है, उनको जाना ही पेरिस है। जब इन्हों को जाना ही पेरिस है तो एयर फ्रांस ही सस्ती पड़ेगी, डायरेक्ट फ्लाइट है, ठीक है। अदरवाइज भी अगर हम हमारे इंडिया से यूरोप के बाद अगर किसी कंट्री या किसी कॉन्टिनेंट में या किसी कंट्री में लोग जाते हैं सबसे ज्यादा तो वो है कनाडा। अगर आप कनाडा की भी स्टॉप ओवर फ्लाइट लेते हैं, वाया फ्लाइट लेते हैं, तो सबसे सस्ती फ्लाइट जो है वो एयर फ्रांस की आती है इंडिया में आज भी, ठीक है, और आज से नहीं 20 साल से ऐसा ही है, राइट। एयर फ्रांस की फ्लाइट के अंदर 50% से ज्यादा पैसेंजर्स आपको हमेशा वो मिलेंगे या तो कनाडा से आ रहे हैं या फिर वो कनाडा या यूएस से जा रहे हैं, ठीक है। सो पेरिस कम्स आउट टू बी एन एक्सीलेंट कनेक्शन, और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ना ही फ्रेंच सिटीजन्स को कनाडा के वीजा की जरूरत है, ना ही कैनेडियंस को फ्रांस के वीजा की जरूरत है, ठीक है। अब यहां पर एक बड़ा कंफ्यूजन भी होता है, ठीक है, कई ऐसे इंडियंस हैं जो कि 10-10 साल से कनाडा में रहते हैं, उनकी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, सिटीजनशिप मिल चुकी है, ठीक है, तो उनके पास क्या कहते हैं 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो चुके हैं, उनके पास क्या कहते हैं पीआर होल्डर हैं, सिटीजन नहीं है, ठीक है, तो ये लोग कनाडा के डॉक्यूमेंट के बेसिस पर फ्रांस आ जाते हैं बिना किसी वीजा के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकते हैं, ठीक है। और फिर ये इंडिया की फ्लाइट में भी बैठ जाते हैं, ठीक है, जब ये इंडिया की फ्लाइट में बैठ जाते हैं तो फ्रांस गवर्नमेंट इनको वहां पे भी बैठने देती है, इनके डॉक्यूमेंट चेक नहीं होते, पर जब इंडिया आते हैं तो इनके पास वीजा नहीं होता या इनके पास प्रॉपर ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही नहीं होता। तो अगर आप एयर फ्रांस में कभी नौकरी करेंगे या एयरपोर्ट पे जाएंगे, अगर कोई आपका रिलेटिव आएगा कभी एयर फ्रांस से, तो आपको पता चलेगा कि कम से कम 5-10 लोग ऐसे होते हैं जिन्हों को एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है जो एयर फ्रांस में आ रहे होते हैं, उनके पास ना पासपोर्ट है ना वीजा है, इंटरनल डॉक्यूमेंट के ऊपर वो यहाँ पे आ रहे हैं, ये बड़ी कॉमन बात है। चलिए जो भी है, इसके अलावा हमारे को सस्ता फेयर और अच्छी एयरलाइन जो मिलती है वो मिलती है KLM। नीदरलैंड देखो कितनी छोटी सी कंट्री है, KLM इज द नेशनल एयरलाइन ऑफ नीदरलैंड्स, राइट। KLM इतनी छोटी कंट्री हो, नीदरलैंड इतनी छोटी कंट्री होते हुए भी इन्होंने रॉयल डच एयरलाइन काफी अच्छे से मेंटेन की है, ठीक है। बट यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, दैट इट इज नॉट अ सिंगल कंट्री, इसको आप एक अलग एक लोथी कंट्री की तरह ना समझें। सो दिस इज मोर लाइक अ ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज, नीदरलैंड, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग। तो अगर आप मैप में भी देखेंगे
तो आपको ये तीनों कंट्रीज नजर आएंगी, तो इसको हम बेनेलुक्स कहते हैं, सो दैट इज नोन एज बेनेलुक्स। तो ये नीदरलैंड है, ये बेल्जियम है और लग्जमबर्ग है। बेल्जियम और लग्जमबर्ग तो इतनी छोटी कंट्रीज हैं कि ये बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने कभी डेवलप भी नहीं की, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये अपनी नेबरिंग कंट्रीज से क्या लेते हैं, इम्पोर्ट करते हैं और उनके बेसिस पे अपनी कंट्री को सर्वाइव करवाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं लग्जमबर्ग से, बेल्जियम से और डेनमार्क से जो एम्स्टरडेम जाते हैं फ्लाइट लेने के लिए, क्योंकि ये लोग सिटीज से डायरेक्ट फ्लाइट ही नहीं है लिच्टेनस्टाइन से, तो ऐसे बड़े सारे लोग आपको मिलेंगे, राइट? सो दिस इज वेयर वी हैव लग्जमबर्ग, बेल्जियम एंड नीदरलैंड। इसको बेनेलुक्स कहा जाता है, जो कि इनके इनिशियल से लिया गया है, बी ई बेल्जियम का बी ई, लग्जमबर्ग का लक्स एंड नीदरलैंड का नी। सो बेनेलुक्स, पहले बी फिर नी फिर लक्स, बेनेलुक्स, राइट? सो ये हमारे लिए चार सबसे इंपॉर्टेंट एयरलाइन है। जो लोग स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, स्विस एयर जरूर है हमारे पास, डायरेक्ट फ्लाइट है, इंडिया से चलती है, इंडिया से आती है, इंडिया से जाती है, बट स्विस एयरलाइन हमेशा हमारे को महंगा फेयर, ज्यादातर टाइम 90% टाइम हमारे को जो फेयर मिलेगा वो महंगा मिलेगा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एयरलाइन हमारे लिए आ जाती है लुफ्थांसा। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री अगर हम बात करते हैं यूरोप के अंदर, तो वो जर्मनी है, और इसको भी आप सेंट्रल यूरोप मान कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो यूरोप, सो ऑब्वियसली दिस इज सेंट्रल। और आप ये देखते हैं कि यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज तो आपको लैंड लॉक्ड मिल रही है, राइट? तो कीर्ति हमारे को बताएंगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होती है कीर्ति? ठीक है, आप बताओ अक्षय। कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही है, शोर ही आ रहा है। हाँ जी रिधि, आप बताइए व्हाट इज लैंडलॉक कंट्री? आप तो चार पांच बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में मेरे से। हाँ जी बताओ भाई, जो बताना चाहता है बताओ। लैंडलॉक कंट्री यानी कि जिसके चारों तरफ बॉर्डर से दूसरी कंट्री कनेक्टेड हो बाय सरफेस, तो उसको लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और सोहेल जो है देखो पहली बार क्लास में आए हैं और आपको बिल्कुल ठीक जवाब दे रहे हैं, राइट? बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। आप इंडिया में इसको समझने की कोशिश कीजिए, दिल्ली, दिल्ली एक लैंड लॉक्ड सिटी है, क्योंकि दिल्ली में कोई समुद्र नहीं आता ना, ठीक है? ओके। बट महाराष्ट्र या मुंबई लैंड लॉक्ड नहीं है, है ना? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। भूटान, भूटान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, क्योंकि चारों तरफ सरफेस है, किसी ना किसी कंट्री का समुद्र तो है ही नहीं। पर श्रीलंका इज अ कोस्टल कंट्री, सो श्रीलंका इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक है, तो जर्मनी का अगर आप मैप देखते हैं तो बड़े आराम से आप देख सकते हैं, बड़ा साफ साफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये ना ही लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्टिल इट इज वेरी वेल कनेक्टेड विद लॉट्स ऑफ इम्पोर्टेंट कंट्रीज। पोलैंड के साथ कनेक्टेड है बाय सरफेस, चेक रिपब्लिक जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है उससे कनेक्टेड है। यहाँ पर आप लिच्टेनस्टाइन लिखा हुआ देख रहे हैं, और लिच्टेनस्टाइन एक बहुत ही छोटी कंट्री है, दुनिया की वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री है, चौथी या पांचवी सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है ये। ठीक है, और ये सारा ऑस्ट्रिया जो है जर्मनी से कनेक्टेड है, फिर स्विट्जरलैंड जर्मनी से कनेक्टेड है, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, फ्रांस, ये सब जर्मनी की नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो इनों के नेबरिंग कंट्रीज का इसके होने से ऑब्वियसली जिस कंट्री की ज्यादा नेबरिंग कंट्रीज होंगी वो कंट्री उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और वहां से हम बाकी जगहों पर आराम से जा सकते हैं, ज्यादा आराम से जा सकते हैं। और लुफ्थांसा एयरलाइन की तो आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट भी काफी देखी होंगी, लुफ्थांसा एयरलाइन इज ऑल्सो हैविंग अ रेगुलर फ्लाइट। ठीक है,
तो हमारे पास एडवांटेज लुफ्थांसा के केस में ये है कि हम फ्रैंकफर्ट की भी हमें फ्लाइट मिल जाती है, हमारे को बर्लिन की भी फ्लाइट मिल जाती है, इसके अलावा म्यूनिक में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और भी काफी जगह है जहाँ पर हम इंटरनेशनली फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जब हम यूरोप को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम आपको इसकी लो कॉस्ट एयरलाइंस भी बताएंगे, राइट। तो जर्मनी की एयरलाइन विच इज द नेशनल एयरलाइन लुफ्थांसा कम्स आउट टू बी इम्पोर्टेंट। तो मेजरली हमारे लिए इम्पोर्टेंट एयरलाइंस जो बनती हैं वो टर्किश, फिन, एयर फ्रांस, केएलएम एंड लुफ्थांसा एयरलाइन बनती है, ठीक है। इसके बाद नॉन यूरोपियन एयरलाइन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एयर इंडिया तो है ही, एयर इंडिया तो जाती है, जैसे कि स्पेन की नेशनल एयरलाइन इंडिया नहीं आ रही तो एयर इंडिया जा रही है, जैसे पोर्तुगल के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, ठीक है, तो फिर हम वही एयर इंडिया से जाएंगे या फिर क्या कहते हैं बाकी किसी और एयर फ्रांस वगैरह से हम जाएंगे, ठीक है, वाया, राइट। बट नॉन यूरोपियन कंट्री के अंदर, नॉन यूरोपियन एयरलाइंस के अंदर जो दो या तीन एयरलाइंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट एयरलाइंस हैं रिगार्ड टू यूरोप, देन दोज थ्री एयरलाइंस आर कतर, इमिरेट्स एंड इतिहाद, ठीक है। तो जब तक आप जीडीएस के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं आता, जीडीएस के ऊपर जब तक फेयर नहीं चेक कर पा रहे हैं, तब तक अगर आप मैनुअली फेयर निकाल रहे हैं या ऑनलाइन आप फेयर निकाल रहे हैं यूरोप के लिए, तो आपने ये सारी एयरलाइंस पे फेयर निकाल के देखना है, ठीक है। मतलब कि आपको टर्किश एयरलाइन पे देखना है, आपको लुफ्थांसा पे देखना है, आपको फिन एयर पे देखना है, इमिरेट्स पे, इतिहाद पे, कतर पे, केएलएम पे, तो इनमें से कोई भी एयरलाइन आपको सस्ता फेयर दे सकती है। इसके अलावा एरोफ्लोट जो कि रशिया की एयरलाइन है, इसके अलावा एयर अस्ताना, तो ये मेजर एयरलाइंस हैं जो हमारे को यूरोप के लिए सस्ता फेयर देती हैं, ठीक है, जो कि हमें मिल भी जाता है आराम से पूरे यूरोप के अंदर। जैसे कि मैंने कहा कि फिनलैंड इज द क्लोजेस्ट कंट्री, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि 6.5 घंटे लगते हैं, और अगर हम स्पेन की ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट समझने की कोशिश करें तो स्पेन की जो हमारे को ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट मिलेगी वो 8.5 घंटे की मिलेगी, ठीक है। बट फिर भी आपको अलग अलग 50 कंट्रीज हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली क्यों बोलते हैं, इसका रीजन मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ठीक, एग्जैक्ट कभी भी नहीं बोला जाता एयरलाइन की कंट्रीज कितनी है, राइट। तो आपको हर एक कंट्री का अलग अलग ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इन जनरल बोल सकते हैं 7 to 8 hours किसी भी कंट्री के लिए कितना टाइम लगेगा जाने का, अगर हम यूरोप जा रहे हैं तो आप इजीली बोल सकते हैं 7 to 8 hours। इसके अलावा जो जितनी भी ये कंट्रीज हैं ऑब्वियसली ये इंडिया से पीछे हैं, ठीक है, राइट, और ये कंट्रीज डे लाइट सेविंग भी यूज करती हैं। डे लाइट सेविंग में आप लोगों को पहले भी थोड़ा सा समझा चुका हूं, जिसके अंदर हम घड़ियों को 1 घंटा पीछे कर देते हैं साल में एक बार और फिर 1 घंटा आगे कर देते हैं, तो 2 बार हमारा टाइम चेंज होता है, ठीक है। इसके लिए डिटेल क्लास कभी आपको बाद में देंगे, ओके। तो ये डे लाइट सेविंग भी यूज करती हैं, तो टाइम डिफरेंस जो हमारे को यूजली मिलता है वो 3 or 4 घंटे आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं, कभी ये 3.5 घंटे मिलेगा कुछ कंट्रीज के बीच में, कुछ कंट्रीज के बीच में 2.5 घंटे मिलेगा, कुछ कंट्रीज के बीच में 4.5 घंटे और कुछ कंट्रीज के बीच में 5.5 घंटे, जैसे कि लंदन, आप लोगों को मालूम ही है, राइट। व्हेन दे आर नॉट यूजिंग डे लाइट सेविंग देन द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड लंदन इज 5.5 आवर। लंदन, इंग्लैंड इज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इज वेयर द GMT इज 0, आप ये वहां पर है जहां पर GMT 0 हो जाता है, ठीक है। UK हम सब जानते हैं कि क्या कहते हैं Brexit has affected their relation with European Union and all of that। UK का वीजा हमेशा ही अलग होता था, शेंगेन का एक वीजा होता है, और जो कंट्रीज यूरोप की शेंगेन में नहीं आती हैं यूके के अलावा, वो हमारे को वीजा अपनी कंट्रीज का बड़े आराम से दे देती हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेंगेन, ठीक है। यूके का वीजा अलग लिया जाता है, यूके एक अलग क्या कहते हैं मास है, ठीक है,
चाहे यूरोपियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। और यूके की सबसे अच्छी बात यह है जो कि इंडियंस के लिए एडवांटेज है, इसीलिए देयर आर मोर ऑफ इंडियंस इन यूके, दैट इट इज इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्टिनेंट। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, चार कंट्रीज का ग्रुप है यूनाइटेड किंगडम, जिसके अंदर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड आता है। आयरलैंड इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। ठीक है, तो नॉर्दर्न आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, बेलफास्ट एंड डबलिन जो इसकी क्या कहते हैं कैपिटल्स हैं, इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आगे चलेंगे। ठीक है, दिस वॉज अ बिट अबाउट यूरोप। जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर करेंसी है जो पूरे के पूरे यूरोप में आराम से एक्सेप्ट होती है वो है यूरो, राइट। मैक्सिमम कंट्रीज जो करेंसी यूज कर रही हैं वो यूरो है, बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो अपनी करेंसी यूज करती हैं, जैसे कि करोना, कुरूना, ठीक है, अलग अलग इनों के क्या कहते हैं फॉरेन, राइट। हंगरी की करेंसी अलग है, राइट। और यूके की करेंसी तो आप लोग जानते ही हैं, दैट इज GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, राइट। जब ब्रेक्सिट अनाउंस हुआ था, ठीक है, आज से कई साल पहले जब ब्रेक्सिट अनाउंस हुआ था, दैट हैड बिकम वन ऑफ द मोस्ट आइडियल टाइम टू विजिट यूके। क्यों? क्योंकि जब ब्रेक्सिट अनाउंस होने से पहले पाउंड जो था वो 90 रुपीज पे था, और जब ब्रेक्सिट अनाउंस हुआ तो एक से दो महीने में ये अप्रॉक्सीमेटली 70 रुपीज के आसपास आ गए। तब आप समझिए कि जो इंडियंस ने तो पाउंड खरीदना है, और वहां पर प्राइसेस सारे पाउंड में ही हैं। अब आपने शूज खरीदने हैं, चाहे आपने कैब खरीदनी है, या आपने टैक्सी में बैठना है, सो द प्राइस इज सेम, बट यू आर एबल टू परचेज अ पाउंड इन 20 रुपीज चीपर कॉस्ट। सो दैट वॉज अ वेरी गुड टाइम, बट दैट वॉज अ टाइम लेस नंबर ऑफ पीपल आर विजिटिंग ऑल्सो। Whenever the GBP is a little down, then is always the right time to visit UK. ठीक है, इसके बारे में और बताएंगे। United Kingdom is connected with the main Europe through trains also. पूरा का पूरा यूरोप अपने आप एक दूसरे के साथ well connected है on the basis of Eurail. और एक travel agent, एक well trained intelligent travel agent can get 90% discount on Eurail. यूरोप हमारे को महंगा साउंड करता है, ठीक है, बट यूरोप इज नॉट एक्सपेंसिव। आप यूरोप के फेयर को थाईलैंड से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली आप जा भी तो लो कॉस्ट एयरलाइन में रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आपका माइल्स कम है, जब आप 4.5 घंटे में पहुंच रहे हो, यहां पर आप 7.5 घंटे में पहुंच रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोराटा बेसिस पे अगर आप फेयर बढ़ा लेते हैं तो उतना ही तो बढ़ेगा। ये वैसा ही तो है कि अगर आप अपनी कार से 50 किलोमीटर जा रहे हैं तो फ्यूल कम लगेगा, और अपनी कार से आप 80 किलोमीटर जा रहे हैं तो फ्यूल ज्यादा लगेगा, ऑब्वियसली आपका एक्सपेंस ज्यादा आएगा, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दैट Even the airfare is also not expensive. For internally, there are hundreds of domestic airports in Europe. So, Europe के अंदर भी low cost airlines हैं, जो कि बहुत सस्ती आती हैं। सस्ती मतलब 15 यूरो की फ्लाइट की टिकट, वन वे ऑब्वियसली। 15 यूरो मतलब 1200 रुपए, 1400 रुपए। ठीक है, तो ये वैसे ही है जैसे कि आपको सिंगापुर से कुआलालंपुर की टिकट सिर्फ 2000 रुपए में मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि डिस्टेंस भी तो सिर्फ 375 किलोमीटर है। तो सिमिलरली अगर आप यूरोप में भी लो कॉस्ट एयरलाइन यूज कर रहे हो जहां पर डिस्टेंस ही सिर्फ 300-400 किलोमीटर है, तो फेयर तो कम होगा ही होगा, राइट। और पॉपुलेशन ज्यादा है। यूरोप इज द मोस्ट डेवलप्ड continent and the oldest developed civilization is also from Europe. Okay? According to a lot of theories, entire world has been emerged from Europe. Okay?
बट हां यूरोप के अंदर ज्यादातर कंट्रीज जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को भी एक्सेप्ट करती हैं और यूएस डॉलर को भी एक्सेप्ट करती हैं। इनके पास सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो आता है, हम इंडियंस को तो लगता है ना इंडियन से ही जाता होगा या पाकिस्तान वगैरह हमारे से मिलके जाता होगा, ठीक है, बट यूरोप के पास सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट आता है दैट कम्स फ्रॉम अमेरिका। तो ऑब्वियसली यूएस डॉलर यहाँ पर बड़े आराम से एक्सेप्ट होता है। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर हर तरह की आपको नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए मिलेगी। अमेरिकन कॉन्टिनेंट या फिर नॉर्थ अमेरिका में यूएसए जो है मेजरली, वो नेचुरली उतना ब्यूटीफुल नहीं है एंड यूरोप इज नेचुरली वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात की है, बड़ी सारी चीजें हैं जो कॉमन रहेंगी, ठीक है। ज्यादातर लोग जो यूरोप में रहते हैं वो चार लैंग्वेजेस बोल पाते हैं, बड़े आराम से बोल पाते हैं, ठीक है। ज्यादातर कंट्रीज के अंदर ये चारों के चारों लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन किया जाता है बड़ी कन्वीनियंटली, जो कि है फ्रेंच, ठीक है, जर्मन, इटालियन एंड स्पेनिश। तो ये चार लैंग्वेजेस सबसे ज्यादा बोली जाती हैं। वैसे भी हम जानते ही हैं आफ्टर इंग्लिश इट इज स्पेनिश देन फ्रेंच एंड देन जर्मन विच इज मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस, राइट। हम मैंडरिन की यहाँ पर बात नहीं कर रहे क्योंकि हम यूरोप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी को इटालियन आती है तो आप यूरोप में बिल्कुल प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, अगर आपको स्पेनिश आती है तो भी नहीं करेंगे, जर्मन आती है तो भी नहीं करेंगे, ठीक है। बट हाँ अगर आपको इंग्लिश आती है तो भी नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज वेयर पीपल ट्राई टू स्पीक एंड कम्युनिकेट विद यू इन इंग्लिश। जैसे कि मैंने कहा कि देयर आर लॉट ऑफ tourists which are coming from USA. So English is also, आपको हर अच्छे होटल के अंदर तो इंग्लिश स्पीकिंग लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, स्टाफ मिलेगा ही मिलेगा, और हर डिसेंट रेस्टोरेंट के अंदर भी एक ना एक स्टाफ जरूर होगा जो इंग्लिश में अपने गेस्ट के साथ कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। पीसफुल कॉन्टिनेंट है, कम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्राइम रेट कम है, ठीक है, करप्शन थोड़ी कम है क्योंकि सिविलाइज हो चुका है, एजुकेशन ज्यादा है यहाँ पर, बट हाँ टैक्स रेट्स भी ज्यादा है। एवरेज इनकम टैक्स या टोटल टैक्स एक जनरल पर्सन जो पे करता है वो 55% है, और इंडिया के अंदर हम लोग जो नॉर्मली टैक्स पे करते हैं टोटल हर चीजों का मिला जुला के, क्योंकि आप पेट्रोल पे भी टैक्स दे रहे हो, गाड़ियों पे भी दे रहे हो, एजुकेशन पे भी दे रहे हो, हर चीज पे टैक्स दे रहे हो आप लोग, ठीक है, घर खरीदते हो तो भी, ठीक है, कपड़े खरीदते हो तो भी, और इनकम टैक्स के इनकम के ऊपर टैक्स क्यों देते हैं सो देते हैं। तो इंडिया के अंदर भी करीब 42% आता है इनकम टैक्स, ठीक है, और यूरोप के अंदर 55% आता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो बहुत सारे लोग यहाँ पर इंडिया में बैठे हुए हैं और जाते हैं स्विट्जरलैंड घूम कर आते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं हम तो स्विट्जरलैंड में बस जाना चाहते हैं। भाई जब आप स्विट्जरलैंड घूमने गए तब आपने ये चीज़ रियलाइज ही नहीं की कि वहाँ पर आपको इनकम टैक्स पर भी टैक्स देना होगा और भी हजारों चीज़ें होंगी, ठीक है। तो दूर से तो हर जगह ही अच्छी लगती है, बट हाँ चलिए अच्छा भी है, बट हर एक चीज़ उतनी अच्छी नहीं है। यूरोप के अंदर जितनी भी कंट्रीज के अंदर इंग्लिश नहीं बोली जाती है, उनका सिटीजनशिप देने का सिंपल सा एक तरीका ये भी है कि वो लैंग्वेज प्रेफरेंस देखते हैं। जब तक आप उस कंट्री की लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं आपको वो सिटीजनशिप नहीं देना चाहते हैं। चलिए दैट इज नॉट आवर टॉपिक। तो ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात की है। बेस्ट टाइम इंडियंस के लिए जो माना जाता है पूरे ही यूरोप के अंदर घूमने के लिए वो अप्रैल टू सेप्टेम्बर माना जाता है। जो हाई सीजन है वो है हमारा मई जून जुलाई, ये तीन हाई सीजन है, ठीक है। यूरोप के अंदर आपको क्रिश्चियनिटी ज्यादा एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगी, तो ऑब्वियसली क्रिसमस काफी अच्छे से सेलिब्रेट होती है, न्यू ईयर काफी अच्छे से सेलिब्रेट होता है, बट दैट इज द टाइम व्हेन वेदर इज ऑल्सो एक्सट्रीम। तो आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत सारी जगहों पे जीरो डिग्री होगा। पेरिस में आप घूम रहे हैं न्यू ईयर पर या फिर क्रिसमस पर तो स्नोफॉल होगी, जो आप फिल्मों में देखते हैं बिल्कुल सच में वैसा होगा। इन रियलिटी इट विल बिकम
a romantic place when a person is walking over the streets of Paris or maybe Rome or Nice and so on, right? So November, December and January, ठीक है, ये भी इंडियंस, ये भी ऐसा टाइम है जब करते हैं ट्रैवल, बट खास तौर पे जनवरी तो बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। दिसंबर हम फिर भी कहते हैं क्योंकि चलिए आप क्रिसमस देखना चाहते हैं, आप न्यू ईयर देखना चाहते हैं, अ पर्सन कैन स्टिल गो। प्राइसेस 60% कम हो जाते हैं अकोमोडेशन के और ट्रांसपोर्टेशन के सर्दियों में, ठीक है। तो अगर कोई सच में कम से कम पैसों में यूरोप घूमना चाहता है तो विंटर्स आर द बेस्ट। विंटर्स एक ऐसा पीरियड है जब यूरोपियंस ट्रैवल करने के लिए एशिया आते हैं, ठीक है, या फिर अफ्रीका जाते हैं। इनों के लिए वन ऑफ द वेल कनेक्टेड कॉन्टिनेंट जो है वो अफ्रीका है, और यूरोपियंस की वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जैसे हम लोगों के इंडिया में रहते हुए गोवा है, तो इनों की है इजिप्ट, क्योंकि इजिप्ट इज अ हॉट कंट्री, अफ्रीका में आती है ना। तो जब जो जिन महीनों में हम स्नोफॉल की बात कर रहे हैं, उन महीनों में हम इजिप्ट में जाकर 25-30 degree टेम्परेचर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, सन बाथिंग कर सकते हैं। सो ये लोग उस वक्त ट्रैवल करते हैं, राइट। तो ये हमने थोड़े से इंट्रोडक्शन की बात की है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी GMT कैलकुलेशन करेंगे पहले, और फिर हम अकॉर्डिंग टू एवरी कंट्री वी विल प्रोसीड, राइट। कोई कुछ पूछना चाहता है, किसी को भी सवाल है तो जरूर पूछिए। सर, जैसे हम यूरोप का पैकेज बनाएंगे तो उसमें हम कौन सी कंट्रीज इंक्लूड करेंगे, लाइक मेन कंट्रीज? ऑब्वियसली तीन कंट्री सबसे ज्यादा विजिट की जाती हैं, स्विट्जरलैंड, इटली एंड फ्रांस। ओके, सबसे ज्यादा, और 90% लोगों के लिए जो इंडिया से जाते हैं उनके लिए यूरोप का मतलब ही इटली, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड है, और इन तीनों का एक कंबाइंड पैकेज बनता है, ठीक है। तो कंबाइंड पैकेज कैसे बनता है वो हम आपको सिखाने वाले हैं। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? ठीक है, फिर आज की क्लास हम यहीं कंक्लूड करेंगे। सर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर पॉइंट्स हमें क्या ध्यान रखने हैं, कि बहुत सारी कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज की हर एक चीज याद नहीं रहेगी, तो मेजर क्या चीजें याद करनी चाहिए हम लोगों को? सबसे पहली बात तो आपको मैप प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली आपको एयरलाइंस का नाम, उनके कोड्स याद रखने चाहिए, आपको टाइम डिफरेंस याद रखना चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट याद रखनी चाहिए, करेंसी याद रखनी चाहिए, कैपिटल्स याद रखनी चाहिए, और कम से कम दो तीन इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ ईच कंट्री आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। वीजा लेना है नहीं लेना है, अराइवल पे मिलता है नहीं मिलता है, ये सब भी मैं साथ साथ आपको बता ही रहा हूँ। यूरोप के अंदर शेंगेन वीजा लिया जाता है और तभी हम कार पर ट्रैवल करते हैं। यूके का वीजा अलग है, तो यूके का वीजा लिया जाता है। बाकी अभी कंट्रीज वाइज जब हम चलेंगे तो इनको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, कीप स्टडी, मैप प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों को 2 घंटे रोज मैप प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। यूरोप का मैप सामने रखिए, एशिया का रखिए, नॉर्थ अमेरिका का रखिए, ये तीन तो इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट है ही आपके लिए। इसके बाद इंडिया का रखिए, इंडिया, यू लिव इन इंडिया, सो ऑब्वियसली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।